वीर सेन स्वामी, क्या नाम बताया? अब वीर सेनाचार्य का नाम, धवलाकार का नाम सबको मालूम है, तो वीर सेन तो एकदम ही याद है सबको, मैंने याद ही नहीं करना है, बस केवल ध्यान में रखना है वीर सेन स्वामी। और वीर सेन के साथ हैं महाभद्र, महान भद्रता जिनके पास है, सर्वोत्कृष्ट भद्रता जिनके पास है, ऐसे महाभद्र कितने नाम हो गए? वीर सेन स्वामी और महाभद्र स्वामी के पहले कौन? वीर सेन स्वामी का नंबर 21 है कि 19? 17 है। अच्छा, वीर सेन स्वामी का नंबर कितना है? 17 नंबर वीर सेन स्वामी, 18 नंबर महाभद्र स्वामी। पक्का ठीक। अब कितने हो गए? 18। अब 18 तीर्थंकरों के नाम आप पक्के कर लीजिए, हम मंगलाचरण करते हैं और आप लोग 18 तीर्थंकरों का स्मरण करेंगे। 5 मेरुओं के नाम याद है किसी को बच्चों में से? सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, 3 नाम बता दिए, जल्दी बोलो कौन बोलेगा? सुदर्शन, विजय, अचल, फिर से बोलो। याद हो गए? सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, सुदर्शन, विजय, अचल, समझ में आ गया? आप ये 2 बाद में बता देंगे, आपको 3 याद हो गए, सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु। ये 4 तीय 12 तीर्थंकर हो गए, इनके 4-4 क्रम से 4-4 तीर्थंकर हो गए, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर मेरु और विद्युन्माली, तो ये 2 बाद में याद करा देंगे। ऐसे 4 चौके 16, 4 5 20, तो आप याद कर लेना। 3 मेरु कौन से? सुदर्शन, विजय और अचल मेरु, और अगले मंदर मेरु और विद्युन्माली, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। चलिए आप देख लेना, 5 वो बना लेना आप, 5 मेरु, 4-4 तीर्थंकर को विराजमान करके 4-4 समोसरण लगाना, ऐसे 20 समोसरण का ध्यान करो, वहां दिव्य ध्वनि खिल रही है, 12 सभाएं लगी हैं, भगवान अशोक वृक्ष पर विराजमान, अशोक वृक्ष के नीचे, सिंहासन के ऊपर, सिंहासन को छूते नहीं और अशोक वृक्ष से अड़ते नहीं, और इसके नीचे क्या है? 3 छत्र, पीछे क्या है? क्या है? भामंडल, पीछे क्या है? भामंडल। चवर कितने होते हैं उनके? 64। कितने चवर होते हैं? आज बता दिया, हम जिससे भी पूछेंगे कल वही बताएगा, आज सबने नकल करा दी, कल हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, कितने चवर होते हैं? 64 चवर। तुमने देखे तुम्हारे किसी मंदिर में हैं? इधर हैं क्या? बच्चों से पूछ रहे, बच्चों से कहाँ हैं? 64 चवर लगे हैं किसी भगवान के ऊपर हैं? कहाँ के मंदिर? गंज के मंदिर, गंज का मंदिर है वो, कौन सा मंदिर है वो? हैं, पार्श्वनाथ जी नाला, ठीक है, ऐसे याद हो जाता है जनरल नॉलेज बच्चों को। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, नमोरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो अज्जायाणम् नमो लोये सबसाहुनम्। नमः शं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गुणि मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्व धर्माणां जैनं यतोऽस्ति।
शासनम जैनम जतु शासनम। एक घंटा प्रवचन लेने में आकुलता तो नहीं होती, क्योंकि आपका प्रवचन 20 मिनट लेट कर दिया, मतलब एक घंटा ले लें कि 40 मिनट लें, बोलो जल्दी। ठीक है तो ठीक है, मैंने मैं निराकुल हो गया। अब देखो, आत्मा दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है वो आत्मा नहीं है। ऐसा होने पर भी इस पलक झपकाने के पीछे यदि कोई शक्ति काम कर रही है तो वो आत्मा है। यदि इस देह में आत्मा ना हो तो आंख काम ना करे, कान काम ना करे, नाक काम नहीं करे, जिह्वा काम नहीं करे, हाथ काम नहीं करे, पूरी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहे? दिखाई नहीं देता आत्मा, लेकिन वो प्राण है, चैतन्य प्राण। ये दृष्टांत हुआ, आज की चर्चा दृष्टांत से शुरू हुई। ऐसे ही चार अभाव दिखाई नहीं देते, लेकिन संपूर्ण विश्व में यूनिवर्सल ट्रुथ की भांति, प्राण की भांति पूरे द्वादशांग में समाया हुआ है। सारे जगत को चार अभाव की चर्चा बिल्कुल विरोध भाषित होती है, बिल्कुल गलत भाषित होती है, विरुद्ध भाषित होती है। लेकिन कल रात्रि में आपको थोड़ा इशारा किया था, अनेकांत तो सियाद बात को समझने वाला द्वादशांग को समझ सकता है, अनेकांत सियाद बात की शैली है ना, उस शैली को समझने वाला चार अभाव को समझ सकता है और द्वादशांग को समझ सकता है। क्यों? सूरज अपने से कितनी दूर है भैया? पढ़ा हुआ किताबों में सूरज अपने से कितनी दूर है? हम एक बात पूछ रहे हैं, सूरज दूर है या हम दूर हैं? क्यों बताओ, नागपुर कितनी दूर है यहां से? 130 किलोमीटर। तो नागपुर दूर है, भाषा ऐसी कहते हैं, कायदे से नागपुर तो अचल है, अडिग है, वो तो ना दूर जाता है ना पास आता है। नागपुर दूर है या नागपुर से हम दूर हैं? पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया? लेकिन लोग व्यवहार में यही कहते हैं, नागपुर यहां से 130 किलोमीटर दूर है, सम्यक शिखर जी 1500 किलोमीटर दूर है। तो सम्यक शिखर जी दूर है कि हम दूर हैं? देखो, लोग व्यवहार के विरुद्ध अर्थ निकला ना इसमें से, लोग व्यवहार के विरुद्ध अर्थ निकला। ऐसे यहां पर चार अभाव में जितनी चर्चा चल रही है वो लोग व्यवहार के विरुद्ध है। लोग व्यवहार में जिस जिसको आप बुरा समझते हो, अच्छा समझते हो, उसका उल्टा अर्थ चार अभाव में आ रहा है। कल आपने देखा था, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, तो इसके कितने अर्थ निकाल लिए अपन ने। सुबह तो कह रहे थे कि तुम बिल्कुल इमोशनल नहीं हुआ करो, घर में 10 मेंबर हैं, कोई बीमार हो जाए, सुखी हो जाए, दुखी हो जाए, तो बिल्कुल इमोशनल नहीं होना। तो ये बात सच्ची थी कि नहीं थी? और रात को आप कह रहे हो कि जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके दुख में दुखी नहीं होते, उनके प्रति वात्सल्य नहीं रखते, करुणा नहीं रखते, मैत्री को क्या कहना चाहिए, भैया वृत्ति का भाव नहीं रखते, सिंपैथी नहीं रखते, बेजीव अपना ही अहित कर रहे हैं। अब बता पंडित जी, दोनों में से कौन सी बात माने हम, उनके दुख में दुखी होए के नहीं होए? कल का समझ में है? कल दो चर्चाएं थी, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिखाई देती, बिल्कुल एंटी, बिल्कुल। तो अब क्या करें संजीव जी, बोलो, माँ बाप की सेवा में दुखी हुआ करें कि नहीं? तो इन दोनों का मतलब समझ लो, दोनों ही बातें सच्ची हैं, दोनों ही अत्यंत भाव में से बताई हमने आपको, है ना, ख्याल में आया? और दोनों ही बात सच्ची है तो कैसे, क्योंकि इनका सुमेल और बिठा दें थोड़ा सा। देखो भैया, इमोशनल नहीं होने का मतलब ये नहीं लगाना कि भैया वृत्ति नहीं करें, सेवा नहीं करें, उनके दुख में दुखी ना हो, ये अर्थ नहीं है। लेकिन उस दुख को सर्वस्व मानकर, आप पुरुषार्थ मानकर बैठ जाएं और बाकी सब भूल जाएं, इसका नाम होता है इमोशनैलिटी, भावुकता। समझ में आया? हमने उस भावुकता का निषेध किया है। आप सारे जगत की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उस सेवा को पुरुषार्थ मान लें, परमार्थ मान लें,
कर्तव्य मान लें और बाकी अपनी आत्मा का अकर्तत्व स्वरूप भूल जाएं तो आप बहुत बड़े अपराधी हैं। एक बात ध्यान रखो, अपना अपना भान नहीं भूलना। आगे समझ में आया? एक बात, तो फिर सबकी सेवा करें कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खूब सेवा करो, आपको तालमेल बिठा दिया, आप जरूर करो। कल ऐसी बहुत सारी चर्चाएं करने का मन तो मतलब इसलिए कि वो हमने तो आपको समझा दिया, आप इसके असंख्यात भेद लगाना विवेक जी, सभी लोग असंख्यात भेद लगाना। असंख्यात भेद माने कई लोग आप में, आप ही लोग कहते हो कि साहब हम इतने सज्जन आदमी हैं, सबकी सेवा करते हैं, मंदिर की भलाई कर रहे हैं, छोटे भाई का उपकार किया, बड़े भाई की सेवा करी, लेकिन पता नहीं क्यों पंडित जी कोई भी मेरे को क्रेडिट नहीं देता, मैंने कोई भी मुझे धन्यवाद नहीं देता, आभार नहीं मानता, मेरी प्रशंसा नहीं करता। जब देखो जब मेरा अप्यास ही होता है, हो सकता है ऐसा? सीता जी का एग्जांपल ले लो, सीता जी इतनी पवित्र फिर भी उन्हीं के ऊपर उंगली उठी, है ना दृष्टांत में। तो ऐसे लोगों को मुझे एक बात कहनी है कि सच्ची बात बताओ, आप गुणी जनों को देखकर हर्षित होते हो? गुणेशु प्रमोदम, आप गुणेशु प्रमोदम करते हो? समझ लो आप 50 साल के हो और आपके छोटा सा बच्चा है, उसने कोई सही बात कही, आप सिगरेट पीते हो और बेटे ने कहा पापा सिगरेट पीना बहुत गंदी बात है, चुप, जवान लड़ाता है। अब बताओ वो बच्चे ने भोलेपन से सरलता से एक कोई बात कही थी आपसे और आपने उसको चुप कर दिया। आजकल ये बहुत बिगड़ता जा रहा है, ले बिगड़ता जा रहा है कि वो सही बात कह रहा था। वो पत्नी कभी आपको अच्छी सलाह दे, पड़ोसी आपको अच्छी सलाह दे, मित्र अच्छी सलाह दे, बोलो आपको कैसे लगते हैं वे, सही बात बताएं? तो आज के जमाने में अच्छी सलाह कोई चाहता नहीं है। क्यों कहोगे भले कि अच्छी सलाह चाहिए, लेकिन कोई नहीं, कोई टोकना पसंद नहीं करेगा, हमें कोई टोको मत, जो हमें अच्छा लगेगा सो करेंगे। अभी मैं आ रहा था ना अपने धर्मशाला से, तो बगल में जो रहते हैं शराबी लोग, एक शराबी बाप अपने बच्चे को गाली दे रहा था, अभी बहुत झमझम के गाली दे रहा था, अभी हाल ही हम आ रहे थे जब, काय बात पे से गाली दे रहा था कि तू दारू क्यों पीता है, और खुद दारू के नशे में गाली दे रहा है, गजब बात, माने खुद पी रहा है और उस बच्चे को इतनी सुना रहा है कि मैं तेरी दारू निकाल दूंगा, मैं फला कर दूंगा, पर उनके तो अलंकार आप समझते ही हैं सारे। बताओ अपन टोके जाना चाहते हैं? अब बताओ गुणेशु प्रमोदम, गुणेशु अच्छे लगते हैं आपको? दृष्टांत दे, दृष्टांत बोलो भैया आपके मम्मी पापा बहुत अलर्ट हैं, डिसिप्लिन पसंद करते हैं, समय पर मंदिर जाना पसंद करते हैं, भोजन करना पसंद करते हैं, शुद्ध मर्यादाओं से भोजन खान पान पसंद करते हैं, सही ईमानदारी से हाथ खड़े करो, कितने लोगों को पसंद है? कितने लोगों को पसंद? सबको ऐसा लगता है जी अम्मा, और यदि पुरानी दादी हो तो जी दादी के मारे परेशान, जे मत छू लियो वो मत छू लियो, जे मत खा लियो वो मत खाना, और अब हे भगवान दो चार से दिन में अष्टमी चौदस आ जाती है, हरी नहीं खा सकते, मन हर घर में झगड़ा है इस बात का। सुनो आप लोग चारित्र मोह का तीव्र बंद कर रहे हो, आप चारित्र बंतों को देखकर अनुमोदना नहीं कर सकते, बल्कि अंदर अंदर दुखी होते हो कि ऐसी किस्मत फूट गई हमारी, घर में ही मम्मी आउट ऑफ डेटेड, क्यों पत्नी है मॉडर्न, उसे तो प्याज भी चलती है, उसे तो आलू, बस छिंदवाड़ा में चलती नहीं होंगे ये चीज, लेकिन अभी हम जगह जगह देखने लगे, गजब हो गया, जैनियों के घर में आलू प्याज, और इससे आगे भी कुछ हो सकता है सो समझ लेना, तो वो मॉडर्न हो गए। कौन मॉडर्न हो गए? जो आलू प्याज खाएं आराम से। अब बताओ आलू प्याज खाने वालों को एक दिन भी मम्मी पापा पसंद नहीं आ सकते? कौन से धर्मात्मा बेरोज कहेंगे बेटा जी गलत बात? बिल्कुल नहीं, उन्हें जो भी थोड़ा आचरण अच्छा करते होंगे उनके प्रति अंदर अंदर कौन सा परिणाम होता है देख देख करके, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है ना, ऐसे यदि सुबह सुबह अम्मा के दर्शन हो जाएं, माने धर्मात्मा के, तो ऐसा लगता है कि सारा दिन खराब कर दिया इन्होंने। बोलो कल्पना करो जो स्वच्छंद रहते हो बड़ी बड़ी सिटी में सर्विस करने वाली, और सुबह सुबह मम्मी पहुंच जाएं छिंदवाड़ा से कि बेटा महीना भर तुम्हारे पास रहेंगे, तो ना महीना भर ऐसा लगता है
जैसे एक साल बीत रहा हो, एक एक दिन गिनेंगे। पत्नी रोज कहेगी, बताओ अम्मा के मारे हम परेशान है, चौका में नहीं घुस सकते। अरे क्यों चिंता करती हो, पांच ही दिन की बात और है। माने काउंट डाउन, आप कल्प, मैं ये तो दृष्टांत इसलिए व्यापक कर दिया कि आप सब ये कल्पना तो करो, निर्णय तो करो कि आप कौन सा कर्म बंद कर रहे हो। अब मैं ऐसे लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जो आज विरक्त होना चाहते हैं लेकिन बैराग्य पक नहीं रहा है, जो जीव आत्मकल्याण करना चाहते हैं, चार गति दुख रूप लगती है, कमाना धमाना दुख रूप लगता है, पत्नी आदि की इच्छा तक नहीं होती, लेकिन ऐसे जीव भी आत्मकल्याण में निवृत्ति नहीं ले पा रहे। सरासर देख रहे हैं कि आसार है, आसार है, आसार है, लेकिन फिर भी फंसे हुए हैं। उत्तर दो कि पहले तुमने गुणेशु प्रमोदम नहीं किया होगा, तुमने चारित्र बंतों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त नहीं की होगी, इसलिए तुमने चारित्र मोह का बंद किया। ए बच्चे लोग, बेटा इसे बजाया नहीं करो, हैं इसे बजाने के लिए थोड़ी होती है ये चीज, अब नहीं बजाना बेटा कोई, है देखना, देखो अब दूसरी तरफ चलो, कौन को देखकर अच्छा लगता है, पापी, कौन को देखकर अच्छा लगता है, पापियों को देखकर तबीयत खुश हो जाती है। जैसे वो टेलीविजन में उल्टे सीधे कपड़ा पहनने वाले आए, उछल कून करने वाले, नाचने गाने वाले, देखते से तबीयत खुश, वाह आनंद आ गया, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। तो वो सप्त व्यसन करने वालों को देख देख करके हमारे चित्त में ऐसी संस्कृति हो गई कि स्वच्छंदता में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। ठीक है, आपको फ्री सेक्स चाहिए, फ्रैंक लाइफ चाहिए, स्वच्छंदता चाहिए, अब आपको पता नहीं है तुमने अनार्य देशों में जन्म लेने का बंद कर लिया। ए कौन करेगा अनार्य देशों में जन्म लेने का बंद, जो मंदिर आता होगा, और जो मंदिर नहीं आता होगा, स्वाध्याय आदि नहीं करता होगा, ऐसा जीव तो अनार्य देश में भी नहीं जन्मेगा। वो तो सबसे बढ़िया फ्री सेक्स है, त्रियंश गति में, कुत्ता कुतिया बहुत स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वच्छंद, आराम से घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसी त्रियंश गति में चले जाए। मैं छोटे छोटे पॉइंट इसलिए उठा रहा हूं कि यदि हम सीधे सीधे कहेंगे बुरे परिणाम का बुरा फल, अच्छे परिणाम का अच्छा फल, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं। कौन महिलाएं ऐसी हैं जिनकी जिनके साथ इज्जत खराब होती है, रोज अखबारों में आता है फला हुआ ऐसा हुआ, क्यों? क्योंकि तुमने टेलीविजन पर पुरुष गमन को अच्छा मान लिया है, और तुमने निदान बंद किया है, और निदान बंद का ये फल है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे सैकड़ों गणित, ये तो कर्णानियोग पढ़ो आप, और सैकड़ों गणित हैं ऐसे। बोलो भैया अब गुणेशु प्रमोदम करना लायक है कि नहीं? एक दृष्टांत दें अनिल, एक दृष्टांत गुणेशु प्रमोदम का दृष्टांत। देखो समझ लो अपन ट्रस्टी मंडल में है, दृष्टांत दे, दृष्टांत मुझे पता नहीं भाई, कोई गड़बड़ नहीं करना। समझ लीजिए कि विमल जी और अशोक जी की बनती नहीं है, नहीं बनती, अब किसी मामले में नहीं बनती, किसी दिन से नहीं बनी। अब मान के चलो कि अशोक जी बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, हमने विमल जी से कहा एक बात है, अशोक जी का तत्व ज्ञान तो बड़ा निर्मल है, है काय का निर्मल है, कसाय तो मिट्टी नहीं। दृष्टांत दो, दृष्टांत, हमने कहा देखो अशोक जी तो इतनी सामर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर में दान देते हैं, बाकायदा लाखों रुपए दान देते हैं, मतलब जितना भी देते हैं, हजार दे लाख दे दान देते हैं। अरे काय का दान पंडित जी, सब मान कसाय की बातें हैं, ये दृष्टांत हो नहीं तुम, हमें तो पता भी नहीं कुछ किसी का, ये तो दृष्टांत दे रहे हैं। हमारा मतलब है कि अब मैं जितनी तारीफ करूंगा अशोक जी की, उन्हें वो सारी अच्छाइयां भी बुराइयां नजर आएंगी, होता है कि नहीं होता है ऐसा? अब बताओ आप कौन सा कर्म बांध रहे होगे, सो बताओ कौन सा कर्म बांधेगा हमें ये नहीं। आपको कितना ही समझसार पढ़ लेना, मेरे से लोग बहुत पूछते हैं, साहब आत्मा दिखाओ, आप सूक्ष्म बातें ही नहीं करते हो, आत्मा का अनुभव कराओ, आत्मा में लीनता कैसे हो ये बताओ। मैं कहता हूं यही तो आत्मलीनता का तरीका है, और है क्या? तुम्हें अपनी आत्मा पसंद है, त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, तो सामने वाले आत्मा भी त्रिकाली शुद्ध है, इसका नाम है आत्मा पसंद आना। सुनो तुम यदि औदयिक भाव से भिन्न हो तो सामने वाली आत्मा भी औदयिक भाव से भिन्न है। यदि तुम कहते हो मैं क्रोधादिक से रहित हूं, तो फिर वो भी क्रोधादिक से रहित है। एक क्रोध की आड़ में, एक क्रोध की पर्याय, क्रोध है ना पर्याय, एक समय की क्रोध पर्याय की आड़ में तुम उस त्रिकाली भगवान को ओझल क्यों करते हो?
ओझल माने तिरस्कार क्यों करते हो, उसके गुणों को भी निंदा रूप से दोष रूप से क्यों देखते हो। ये एक सुना होगा आपने, एक घड़ा उल्टा रखा जाए तो सारे घड़े उल्टे होते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में एक उल्टा अभिप्राय हो जाए, उल्टा घड़ा, अब आपको उसका खाना भी पसंद नहीं आएगा, पीना भी पसंद नहीं आएगा। बोलो जिससे आपकी झगड़ा हो, पूजन कर रहा हो जोरदार अच्छे बिल्कुल शांति से ऐसे बिल्कुल अच्छे, तो हमें पूजा तक पसंद नहीं आएगी, देखते सी आग लग जाएगी बिल्कुल, बस आ गए पूजा करने, हराम की सामग्री से चढ़ा जा बेटा। ऐसे देखो ढोंग कर रहे हैं सब दिखाने के लिए, वैसे चाहे मक्खी चूस जी, क्या मतलब निकला आपका? सच्ची बात बताएं, ये आपका गंदापन है, ये अपना गंदापन है। तुम क्या कहें, ऐसे गंदे जीव। एक क्षमा सागर जी महाराज जी ने एक बात कही थी खनिया धाना में, सुअर की पर्याय में कौन जाता है, कौन जाता है सुअर की पर्याय में, जो ऐसे गंदे होते हैं, जिन्हें साधर्मी, साधर्मी माने, साधर्मी माने मित्र नहीं, साधर्मी माने मित्र नहीं होता, साधर्मी माने समान धर्मी, समान धर्म की रुचि वाले। दिगंबर मुनिराज ने सीता से कहा था गिद्ध पक्षी के बारे में, बेटा ये साधर्मी है। कौन के बारे में कहा था? गिद्ध के बारे में, ये तुम्हारा साधर्मी है, इसे पुत्र की भांति से पालना, इसे पुत्र की भांति रक्षा करना। हम क्या समझते हैं साधर्मी माने? बोलो भैया, ए दीपक तुम्हारे इसमें कितने साधर्मी है भैया? सब है गिनती के, कि हमारी तो साहब उनसे बहुत बना, हमारी तो सुरेंद्र पंकज जी से खूब बनती है, हम तो भैया बे हमारे साधर्मी। साधर्मी माने सब, भले ही वो आपका व्यापार में नहीं बने उनसे, राजनीति में नहीं बने उनसे, ध्यान रखना ट्रस्टी मंडल की मीटिंग में ना बने और कसाय के औदिक भाव में ना बने, लेकिन हमारे साधर्मी है। क्या कहा था, सुअर की पर्याय में कौन चला जाता है? जो साधर्मी के प्रति अधिक सका का भाव रखता है। कौन सा भाव रखता है? अधिक सका, उसका पुण्य नहीं देख सकें, उसका यश नहीं देख सकें, उसका व्यापार नहीं देख सकें, उसकी क्रिया नहीं देख सकें, उसके प्रवचन नहीं समझ सकें। क्या भैया विरोधी के प्रवचन सुन सकते हैं अपन? समझ लो मेरी इनसे नहीं बनती, अशोक जी से, अशोक जी प्रवचन चले तो मैं क्या करूं, ये तो कल रात को बता दिया था आपको। लेकिन नहीं भैया, आप सभी लोग नोट करना, हमें बड़े प्रवचन नहीं सुनाना, हमें बड़ी बातें नहीं समझाना, हमें यही बात समझाना है कि आप सबको आत्मा देखना सीखो। नियम साहब जी की भाषा में कहें तो औदिक भाव से भावांतर को प्राप्त। रत्नगर साहब का चार्य जी की भाषा में कहो तो जो औदिक भाव है वो तो कर्म के उदय का अंतर है। काय का अंतर है? काय का अंतर है? कर्म के उदय का अंतर है। इस कर्म के उदय को अंतर को आत्मा में नहीं देखना, आत्मा में नहीं देखना माने उससे घृणा नहीं करना। बोलो भैया आप सर्विस में हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, अब दोनों कौन छोटा कौन बड़ा? ये तो दोनों की डिग्री का अंतर है, दोनों की योग्यता का अंतर है। इस अंतर से लड़ाई नहीं करना, इस अंतर से लड़ाई नहीं करना। ऐसे यहां लगाना कि किसी के औदयी भाव में क्रोध ज्यादा है, किसी की मान ज्यादा है, किसी की माया ज्यादा है, किसी के लोभ ज्यादा है, झगड़ा नहीं करना, साधर्मी है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? आगे चले, अनार जीवन में अपना हित अहित अपने ही परिणामों से है। आगे चलो, अत्यंत भाव, कौन सा भाव चल रहा था? कौन सा भाव चल रहा था? जोर से बोलो, फिर से बोलो। अत्यंत भाव की परिभाषा किसको याद हो गई? हाँ, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ना होना, अत्यंत भाव। एक और जोरदार बात, वाणी है ना, वाणी ध्यान से सुनना सभी लोग, सभी के काम की बात बता रहा हूं। सबसे ज्यादा झगड़े कराती है जिब्बा, मैंने सबसे ज्यादा झगड़े कराती, सबसे ज्यादा क्या बात, समझ में आया? देखो
वाणी का आत्मा में अभाव, आत्मा का वाणी में अभाव, ठीक है। इसका नाम कौन सा अभाव हो गया? अत्यंत अभाव। सावधान, इसका मतलब वाणी आत्मा का परिचायक नहीं हो सकती, वाणी आत्मा के अभिप्राय का परिचायक नहीं हो सकती। अब जे जो जिन जिन को भी झगड़ा करना होता है वो वाणी को मुख्य कर देते हैं, वाणी को आत्मा मान लेते हैं, वाणी को आत्मा का परिचायक मान लेते हैं। गलत, मिथ्यात्व, हमारी भाषा में कहें मिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि वाणी का आत्मा में अभाव है। जरूरी नहीं है कि वाणी आत्मा का परिचायक हो, वाणी आत्मा का परिचायक नहीं हो सकता, वाणी से आत्मा समझ में नहीं आ सकता। बहुत, अब जैसे मुझे तो मालूम बहुत बहुत ही जन क्या क्या दिख रहा है, अभी अलिंगरण के बोल दिख रहे हैं सीधे सीधे, आत्मा इंद्रिय ग्राह्य नहीं, आत्मा जन कितने कितने सारे बोल अब अत्यंत भाव में दिखाई दे रहे। मैंने इशारा कर दिया, आप पढ़ लेना, अलिंगरण के बोल में अत्यंत भाव लगाना। चलो फिर से सुनो, फिर से, पंडित जी आप इतना प्रवचन समझ आ रहे हैं लेकिन समझ में तो आ ही नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आत्मा आत्मा की ओर लक्ष्य करे तो समझ में आता है। आत्मा वाणी के लक्ष्य से तीन काल में नहीं समझ सकता। क्या कहा? क्या कहा? आत्मा आत्मा के लक्ष्य से तो तत्काल समझता है, और आत्मा का लक्ष्य नहीं हो, वाणी का लक्ष्य हो, दिव्य ध्वनि का लक्ष्य हो, तो कभी समझ में नहीं आता। अब कई लोग पूछते 25 साल हो गए प्रवचन सुनते, कुछ समझ भाव तो है ही नहीं, अभी तक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो डेवलप हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप तो वाणी का लक्ष्य करते हो। सुमत प्रकाश जी की वाणी जोरदार है, दृष्टांत बढ़िया है, शैली जोरदार है, हाँ मजा आ गया, मजा आ गया। काय का मजा आ गया? वाणी का लक्ष्य हुआ कि आत्मा का? ना, आप कभी कल्याण नहीं होगा। एक पॉइंट, वाणी से आत्मा कभी समझ में ही नहीं आएगा। तो वैसे आप समझाते काय के लिए हो? इसकी चर्चा कल परसों हो गई थी, समझाते काय के लिए है। हम अपने राग की पूर्ति करते हैं। अब तुम्हें यदि उस समय समझना हो, तुम्हारा काल पक जाए, तो तुम आत्मा का लक्ष्य करना। इसकी चर्चा अभी विस्तार से नहीं करेंगे, पहले हो चुकी है अपनी ये चर्चा, ठीक। तो आगे चलो, मुझे इससे आगे भी एक बात कहना है। देखो, वाणी से समझ में नहीं आता, इसके लिए अपन एक दिन कहा था शब्दार्थ और भावार्थ, इसलिए वो वाली चर्चा आप लगा लेना यहां पर। मुझे दूसरी बात कहना है। देखो भैया, आज सारे घर घर की महाभारत का मूल कारण है, मूल कारण कि हम शब्दों को ही आत्मा का अभिप्राय समझ जाते हैं, भावार्थ मान लेते हैं, शब्दार्थ को ही भावार्थ मान लेते। जैसे दृष्टांत, दृष्टांत जल्दी समझ जाओगे आप। जब भी मम्मी पापा गुस्सा में होते हैं तो बहुत जम के चिल्लाते हैं, आप उनकी आंखें देखो, तरीका देखो और वाणी देखो, मर जा, और भी जो कुछ बोलते होंगे आगे पीछे, क्यों? मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहता, आज के बाद तुम घर में घुस मत जाना, आज के बाद घर आए तो टंग तोड़ देंगे, जाओ तुम घर से निकल जाओ, यदि तुम असली बाप के पैदा हो तो आज के बाद घर में नहीं घुसना। कौन कहते था? सुनिए, ऐसी बात नहीं सुनी मैंने। जब मम्मी पापा को गुस्सा आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे, बस सब समझ लो, बस जैसे कोई सोतेला बाप हो, है ना, जैसे कोई सोतेली माँ हो। मैं इसलिए बात सुना रहा हूं आपको, आप ध्यान से सुनना। जब जब भी बहुएं सास पर शंका करती हैं तो बहुएं इन्हीं शब्दों का विचार करती हैं, चिंतन करती हैं, देखो तो कैसी कैसी बातें कहते उनके बारे में, देखो तो इनके बारे में कैसी कैसी बातें कहूं, देखो ऐसा लगता है कि जैसे इनकी संतान ही ना होए, जैसे मजबूरी में पाला हो। ये उसका क्या कर दिया उन्होंने, इंटरप्रिटेशन, मैंने टीका कर दी, टीका मैंने ऐसी जोरदार टीका कर दी, और बाद में ये फलितार्थ निकाल दिया कि ऐसी मां शायद हिंदुस्तान में कोई हो जैसे हमारे पति की मां है। कभी तो बेचारे इतने दिन भर में मेहनत करके आज तो कभी प्रेम से हंस के नहीं कहते कि बेटा पानी पी ले, कभी जैनी प्रेम से कि बेटा दूध पी ले। हम दे थे तो ऐसी आंख फाड़ के देखा, अब कहां देख रहे हैं सारे अत्यंत भाव, देखना ध्यान, अत्यंत भाव। सभी बच्चों को अपने मम्मी पापा खराब लगती है, हर बहू को अपनी सास खराब लगती है। नहीं, यहाँ छिंदवाड़ा की नहीं कह रहे हैं हम, आप मैंने ये तो यहाँ पर एक्सेप्शन है, मतलब मैं तो दुनिया की बात कर रहा हूँ। मंदिर में मैंने एक महिला की चर्चा सुनी थी, वो महिला बोल रही थी,
हमारी तो किस्मत फूट गई, हमारी किस्मत में सुख ही नहीं है। ये बात तो सही है, मैंने यहां तक हम सहमत हैं कि हम सुखी नहीं, मतलब कभी कोई सुख ही नहीं देखा जिंदगी में हमने, यहां तक तो बिल्कुल सही बात। तो वो बोली क्या कि देखो जब हम बहू बन के आए थे तो हमारी सास तेज थी, और अब हम सास बने तो बहुएं तेज आ गई, मैंने हमारी किस्मत में ना पहले सुख था ना आज सुख है। देखो मैं क्या बताऊं, सुखी तो अंजना भी हो सकती है, हमें सासों में परिवर्तन नहीं करना है, दृष्टिकोण में परिवर्तन करना है। सम्यक दृष्टि माने दृष्टि का सम्यक पाने में से सुख आता है। आप यदि तत्वाभ्यासी हो जाएं, इस शिविर का मूल प्राण बता रहे हैं मैं आपको, सास बहू के तो दृष्टांत देते हैं, मेरा मतलब कोई सास बहू से कुछ कहने का नहीं होता, ये ध्यान रखना आप, मुझे तो आपसे भी ही कहना है। आप लोगों में भी आपसी जो फ्रस्ट्रेशन होते हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसके पीछे आप केवल तत्व अभ्यास करो, अपना दृष्टिकोण सम्यक बनाओ, अपने पाप के उदय के बिना अपना बुरा कोई कर नहीं सकता, और पुण्य के उदय के बिना कोई हमारा सहायक नहीं हो सकता। इस लाइन पर आप जितना स्वाध्याय कर सकते हो, जितना इंटरप्रिटेशन कर सकते हो उतना करो। सुखी होने का रास्ता तो एक ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ओ बेचारी सास ने, दुखी है बेचारी। पर पदार्थों से दुख मानना ये मोह का तीव्र उदय कहा गया है शास्त्रों में, पढ़ना भैया। पर से मुझे दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, उनके वचनों से पीड़ा होती है, संयोग से दुख होता है, इसको अनंत मोह, तीव्र मोह का उदय कहा, तीव्र मोह का उदय। और हम ऐसे भोले भाले बन जाते हैं, बताओ हमारी क्या गलती, देख लो हमारी क्या गलती, बताओ कि तुम्हारी ये गलती है कि अभी तुम्हें तत्व अभ्यास नहीं है। ऐसे जितने लोग भी ये प्रश्न पूछते हो ना, बताओ हमारी क्या गलती, हम तो साफ साफ हैं, बच्चों को हमने करोड़ रुपये की दौलत दे दी, अब बताओ हमारी क्या गलती, बताओ गलती बोलो, तत्व अभ्यास की कमी है, बच्चे तुम्हें दुख नहीं दे सकते, और करोड़ रुपया दे दिया तो कोई एहसान नहीं कर दिया सच्ची बात है, ऐसा नहीं किया। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, खनिया धाना है, बहुत पैसा कमाया उन्होंने, बहुत पैसा, कोई कमी नहीं है, उनके लड़के भी खूब, उनके लड़के प्रवचन में आते हैं, उनकी बहुएं प्रवचन में आती, सब प्रवचन में आते हैं, और बेचारे इसलिए कह रहे कि उन्हें पूरी चिंता घर की, दूध कौन लाए, फला कौन करे, सुबह से ही पूरा झाड़ू बहारू कौन करे, सब तो अपने बस पूजन पाठ में चले जाते हैं, सब तो प्रवचन में चले जाते हैं, तब फिर कोई नहीं बचता था, फिर वही झाड़ू लगाती रहती, गांव का माहौल है, मतलब गांव का माहौल है, झाड़ू लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, तो ऐसे बस वो सब मेंटेन करते हैं, फिर दूध लाने का काम करो, जी करो वो करो सारा काम। वे हमसे बोले लड़कों को चिंता ही नहीं है कछु, बताओ पंडित जी हम मरे जा रहे हैं, लड़कों को चिंता ही नहीं। मैंने कहा लड़का मंदिर में पूजा पाठ करके कर रहे हैं पुण्य, तो उन्हें पुण्य के उदय से ऐसा बाप मिला तो बेटा चिंता करेगा के लिए, जब इतना बढ़िया, कमाने में भी नंबर वन, पूरी घर की जिम्मेदारी उठाने में भी नंबर वन, तो इतना इतना अच्छा पिताजी महाभाग्य से मिलता है। मैंने उनसे स्पष्ट कहा, मैंने कहा आप जैसा नौकर मिल गया, इससे बढ़िया और क्या होगा उन्हें, समझ में आया। अरे एक दृष्टिकोण का फर्क है बस, दृष्टिकोण का, आप दृष्टिकोण संभाल लो बस, कुछ नहीं करना आपको बोलो। तो अब आपको जहां जहां फ्रस्ट्रेशन हो, आप ध्यान रखना आपको तत्व ज्ञान का अभाव है, इसलिए दुखी हो। तत्व ज्ञान में तो क्या कहें, यदि मेरा बस चले तो जैसे मेहमान नहीं जाते घर से शादी के बाद, तो सबको एक पोटली जबरदस्ती रख देते नाश्ते की, नहीं नहीं नाश्ता कलयू तो रखा ही लियो, मैंने वो नाश्ता बांध दे। ऐसे यदि मेरा बस चले है तो जिंदगी में एक ही चीज की खुराक आपको दूं और कहूं कि जिंदगी में तत्व अभ्यास कभी नहीं भूलना, जिंदगी में सुखी होने का एकमात्र मंत्र, दूसरा कोई रास्ता नहीं। यह तत्व अभ्यास लगाओ कि माँ बाप के कठोर वचन को शत्रुता नहीं समझना, माँ बाप कभी भी किसी के शत्रु नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। दूसरी भाषा में कहें तो वे अपने बच्चों के और बहुओं के परम हितेशी होते हैं। ये पंडित जी आपने अभी डांट फटकार सुनी नहीं है, जब आपके ऊपर बीतेगी तो आपको मालूम पड़ेगा
तो मैं पहले आपको समझा दूं। देखो भैया सिद्धांत, कौन किसको डांटता बता सकते हो? जिसको किसी पर बड़ा करुणा हो, बड़ा प्रेम हो, वो उसे डांटता है। ध्यान रखना, जिसको जितनी ज्यादा करुणा और प्रेम होगा आपके प्रति, वो आपको डांटेगा, बाकी कोई नहीं डांटेगा। पड़ोसी का लड़का सिगरेट पिए, अरे पड़ोसी का तो जाने दो, ताऊ जी का लड़का सिगरेट पिए, तो अपने पापा उस ताऊ जी के लड़के को, मैंने अपने कजिन ब्रदर को कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे अभी तो बेटा मत पिया करो, अच्छी बात नहीं है बेटा, इतना कह के छोड़ देंगे। ज्यादा होगा तो अपने बड़े भैया को बुलाएंगे, बड़े भैया को मैंने अपने ताऊ जी को बुलाएंगे, ताऊ जी को कहेंगे आजकल लड़का बिगड़ रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखो उस पर। मैंने इतने प्रेम से, इतने सिंपली शब्दों में कह के छोड़ देंगे। और तुम सिगरेट हाथ में लेके देखो, पहले तुम सिगरेट हाथ में लेके देखो बस, केवल तो एकदम ऐसी आवाज नहीं निकलेगी, बेटा काहे बिगड़ रहे हो, ऐसा नहीं निकलेगी, क्यों रे हो सीधे बताए हम तुम्हें, अभी हड्डी पसली तोड़ देंगे, लगा हाथ इधर, हाँ इधर, हाँ आप बता सकते हो? उन्हें अपने अपने बच्चे पर ज्यादा प्रेम है कि ताऊ जी के बच्चे पर ज्यादा प्रेम है? उन्हें मालूम है ताऊ जी का बच्चा अच्छा हो जाएगा तो भी मेरी बसियत नहीं संभालेगा, और मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा तो मुझे सुख देगा, मुझे मरते समय नमोकार मन देगा, मुझे समाधि कराएगा, मेरी बसियत ये संभालेगा। बोलो प्रेम सही बताओ किससे ज्यादा होता है, ताऊ जी के लड़के से कि अपने? होता कि नहीं? नेचुरल एग्जाम्पल है कि नहीं? हमें सारी दुनिया को बिगड़ते देखकर उतनी टेंशन नहीं होती, उतनी तकलीफ नहीं होती, जितना जितना जिससे हमें प्रेम होता है अपने बच्चे से उस पर होती है। इसीलिए हर माँ बाप अपने बच्चे और बहुओं को बहुत टॉर्चिंग करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, चाहे जैसा बोल देते हैं, चाहे जैसा अंतिम भाषा कहो तो जब मर जा पिंड छूटे, इतना खतरनाक वाक्य भी बोलते हैं, लेकिन शादी के पहले तक बच्चे को वो बुरा नहीं लगता। शादी के पहले तक कभी कंप्लेंट नहीं नोट कराता वहां जाके, कहां पुलिस थाने में लेकिन शादी के बाद ही अब ऐसा अब चोभने लगते हैं यही वचन, देखो मम्मी के मुंह में लगाम नहीं है, देखो पिताजी को समझ ही नहीं है, बता लो कैसा बोलते हैं, चाहे जैसे। अब धीरे 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 वो बढ़ते बढ़ते इंटरप्रिटेशन आगे बढ़ता चला जाता है, और फिर कहते हैं पापा जी आप भी संकलेश करते हो, मैं भी संकलेश करता हूं, एक काम करें ना, तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं मगर क्या करें अपनी राहें वाह वाह बहुत बढ़िया शाबाश। मैं ये समझे तुम ये अत्यंत भाव नहीं समझने की सजा है, आप फिर समझ आ रहे हैं? आपको कितने ही डांटे जाओ फटकारे जाओ भाई साहब, वो आपका प्रेमी होगा। शत्रु डांटते नहीं है, ध्यान रखना, बैरी डांटते नहीं है, बैरी फटकारते नहीं है, बेरी धोखे से मारते हैं, वाणी आत्मा की परिचायक नहीं। मैं क्या बात कह रहा हूं, अत्यंत भाव है। बोलो भैया मीठा ठग, मीठा ठग तो समझ गए? मीठा ठग आपके पास करोड़ रुपया होए, देखो कितने मीठे ठग, दोस्त माने मीठे ठग, अरे वाह अरे 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 समेत हमें, अरे समेत समेत, अरे मजा कर, चल यार होटल में चल, तू भी यार क्या दिलेर आदमी है यार, मर्द हो तो तेरा जैसा, मर्द हो तो कौन जैसा, वो राहुल का दोस्त कौन पकड़ा गया, साहिल, साहिल वाह, दोस्त हो तो साहिल जैसा, ला करके झट दे दी वो कोखीन, ले बेटा खा। मैंने ऐसे आपको लूटने वाले कदम कदम पर मिल जाएंगे, इनको मीठे ठग के समान कहा लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, कोई व्यक्ति एक आध लाख रुपया लूट ले तो दुनिया उन्हें डाकू कहती है, आत्मानुशासन जी में कोई उन्हें डाकू कहती है, एक आध लाख लूट ले जाए उसको चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, अपराधी कहते हैं। आगे बोलो भैया, लेकिन सारी जिंदगी की कमाई एक क्षण में बच्चा ले लेता है, नहीं समझ में आया, कौन ले लेता है, बेटा पुत्र, इसलिए करोड़ डाकुओं से भी बड़ा डाकू जानकर अपने पुत्र का मोह तजने योग्य है। एक क्या तजने योग्य, तुम गड़बड़ नहीं करना है, पुत्र तजने के लिए नहीं कहा, पुत्र का मोह तजने योग्य है, अर्थात मैं इसे सुखी कर दूं ये मुझे सुखी कर देगा, ऐसी बुद्धि मान्यता तजने योग्य है, कोई नहीं तजने योग्य है, अर्थात मैं इसे सुखी कर दूं
ये मुझे सुखी कर देगा, ऐसी बुद्धि मान्यता तजने योग्य है, कोई नहीं कर पाएगा। चिंता ही नहीं करना, कोई तुम्हें सुखी नहीं कर पाएगा। यदि तत्व अभ्यास नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, तो कोई तुम्हें सुखी, ए गड़बड़ तो नहीं करी, करोड़ बेरियों से भी बड़ा बेरी पुत्र को जानकर, उसका मोह, मोह माने इसमें सुख बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, ये तज नहीं योग्य। समझ में आएगा नहीं भाई विमल जी? लोग बात तो सब देख रहे हैं, मन तक समझते हैं, मन तक सब देख रहे हैं, तेल देखो, तेल की धार देखो, ले हर बाप को आशा है, आशा से तो आसमान बंधा है, क्या है वो आशा से तो आसमान सदा है, हर बच्चे को, बेटे को, यानी हर बाप को अपने बेटे से बड़ी आशा है, ये बड़ा होकर बड़ा होकर क्या करेगा, ये तो देख लो फिर, लेकिन फिलहाल आशा तो है। बस यहां हम ये कहना चाह रहे हैं, आप तत्व अभ्यास करो, झूठी आशा छोड़ दो, बच्चा छोड़ दो नहीं कह रहे, बदला लेने लगो, द्वेष करने लगो, घृणा करने लगो, नफरत करने लगो, ये नहीं कह रही, आशा छोड़ दे। आशा पास महा दुख दानी, आगे बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आगे समझाना पड़ेगा, अब इतनी बात समझ में आ गई, अब इससे आगे चलें, छोड़ दें टॉपिक यहीं पे छोड़ दें। मैंने बचनों को सभी लोग समझना भैया ध्यान से, आप बहुत बड़े धोखे में रहोगे। आप एक बात देखना, जब कभी भी झगड़ा होगा ना, तो शब्दार्थ से शुरू होगा, देख लेना आप, मेरी गारंटी, आप देख लें, शब्दार्थ से शुरू होगा। जैसे आपका दोस्त है, आप रोज उसे गाली दे दो, कभी बुरा नहीं मानेगा वो, लेकिन जिस दिन आपको उसको आपसे दूर होना होगा, उस दिन वो ये कहेगा, तुम यार कैसी कैसी बातें करते हो हमारे बारे में, देखो तुमने कैसा बोला था उस दिन, देखो। मैं चलिए, अभी अपन दोस्त होते हैं, दोस्त तो फ्रेंकली एक वातावरण होता है, अरे आजा यार खा ले, तब जी बात कितनी अच्छी लगती है, बोलो, क्यों इनफॉर्मल है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, अरे आजा यार, मानता क्यों नहीं, खा ले, ले। और नहीं खाना तो मत खा, चल जा। तो ये बिल्कुल, इसको अपन समझते हैं फ्रेंकली अच्छी दोस्ती, लेकिन जिस दिन झगड़ा होना होगा, वो इसी बात को लेगा, ऐसे कहते हैं जैसे कुत्ता से कह रहे हो, और खाना हो तो खा ले, नहीं तो जा, कोई मतलब नहीं है। क्या प्रेम है तुम्हें हमसे, बोलो, क्या दोस्ती है। मैंने जो चीज इनफॉर्मल अच्छी लगती थी, उन्हीं शब्दों का मिसिंग हो गया, देखो। ऐसे घरों में होता है बिल्कुल, घर का भी एक एग्जाम्पल दे दूं आपको, क्योंकि घर में सबसे बड़ी समस्या, बाहर भी है, मतलब बाहर आप समझा लेना। देखो, सास पहले दिन बड़े प्रेम से कहती, बेटा खा लियो, बेटा खा लियो, बेटा खा लियो। अब एक बार हो गई, दो बार हो गया, 15 दिन हो गई, 16वें दिन, देखो बेटा अब रोज रोज नहीं कहना पड़े हमें, तुम खा लिया करो, अब थोड़ा ऐसा बोला। फिर 15 दिन बाद, देखो बेटा तुम बहुत जिद्दी हो, अब 1 महीना बाद ऐसी बात शुरू हुई, जिद्दी हो, अभी भी बहू को कुछ बुरा नहीं लगा 1 महीना तक, यहां तक भी उसने सुन लिया, सॉरी माता जी, ठीक है। अब और आगे बड़ी बात, क्यों यहां चीज रखी थी, कौन ने खा ली, बिना पूछे क्यों खाई, अब यहां से पारा शुरू हो गया, मर गए, हमने बिना पूछे खा ली, वैसे तो रोज कहती थी अपने आप खा लिया करो, आज हमने खा लिया। ऐसे ही बस बात बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते, इस घर में कोई हमसे पूछने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, अब वो बात बिगड़ते बिगड़ते, अब एक दिन बहू नाराज, और सास के मुंह से निकल गया, भैया नाराज हो सो बन ही रहो, खाना हो तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, हम तो भैया परेशान हो गए, चूल्हे में जाओ। अब इन सब वाक्यों को रिकॉर्ड कर लिया गया कान के द्वारा, देखना अब एक एक शब्द पकड़ा जाएगा, आप देख लेना, जब जब ये झगड़ा और तनाव होता है ना, एक एक वाक्य पकड़ा जाता है आपका, और फिर वैसी की वैसी रिकॉर्डिंग मंदिर में सुनाई जाती है। बता लो अब हमारी क्या गलती होता, हम सुबह 4 बजे से उठाते हैं, ऐसा झाड़ू पोछा करे, कपड़ा धोए, सब करे, जरा सी बात पर हमारी गलती हो गई तो इतना इतना बोला कि चूल्हे में जाओ, मर जाओ, जी जाओ, खाओ मत खाओ। और आजकल तो मोबाइल सुविधा भी है। अब मेरा मतलब आप समझा सकते हो, क्या सचमुच सामने वाला व्यक्ति टेंशन में हो तो क्या उसके वचनों को सत्य मानना चाहिए, क्या उस शब्दार्थ को सत्य मानना चाहिए, मेरा आप सबसे पूछना है। आप कभी गुस्से में, आवेश में पुलिस के सामने साइन करें FIR पर, तो वो भी नहीं करवाएगा आपसे।
कोर्ट में आप विटनेस दें, नहीं करवाएगा। मालूम वो क्या लिखवाता है? मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया है, समझ लिया है और पूर्ण होशो हवास में साइन कर रहा हूं। लिखवा लेते हैं वो, इसका मतलब है क्रोध के आवेश को तो पुलिस भी सही नहीं मानती, कसाई के आवेश को तो कोर्ट भी स्वीकार नहीं करता और वो पूरा स्टेटमेंट बदल देते हैं बाद में। लेकिन क्या बताएं, हमें अपने घरों में दुखी रहना हो तो हम कसाई के आवेश को सत्य मानते हैं। और आज फिर समझ लेना भैया, वचन का आत्मा में अभाव है, अत्यंत अभाव है, इसलिए वो आत्मा का परिचायक नहीं है। बहुत सारे लॉजिक दे दिए, अंतर में अपार करुणा हो तो क्रोध करे कोई। एक महिला ने कलकत्ता में पूछा अभी हमसे, पंडित जी हमें गुस्सा बहुत आती है। मैंने कौन पे आती है आपको? हमारे हिसाब से तो आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आती, आपको क्रोध बिल्कुल नहीं आता हमारे हिसाब से। तो बोले पंडित जी सही बताएं, बहुत गुस्सा आती है। ध्यान से सुनना, हर माँ बाप का प्रश्न है, हमें अपने बच्चों पर गुस्सा बहुत आती है, क्या करें? तो हमने कहा भैया तुम्हें गुस्सा नहीं आती, असली गुस्सा तो कुछ और का नाम है। आपको मालूम होगा, मैं बता चुका हूं आपको, असली गुस्सा तो किसी और का नाम है। 100% सच्चा क्रोध किसे कहते पता है किसी को? आत्मा की रुचि नहीं करना, ये अनंत क्रोध। आत्मा में 6 महीने के अंदर अंदर आत्मानुभूति हो, परंतु 15 दिन के अंदर अंदर नहीं हो, ये अप्रत्यक्षान क्रोध। 48 मिनट के अंदर नहीं हो, ये प्रत्यक्षान क्रोध। और अनंत काल के लिए आत्मा में लीन नहीं हो पाए, 1.5 सेकंड के लिए शुभोपयोग होना, ये संज्वलन क्रोध। बिल्कुल 100% क्रोध की परिभाषा तो ये है, इसके सिवाय तो सच्ची बात बताएं सब व्यवहार है, उपचार है, कुछ दम नहीं है। इसके सिवा जितने क्रोध की बातें हैं वे सब में कोई दम नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। तब फिर से समझो, अब जो 4 परिभाषा तो मैं नहीं समझाऊंगा, आप समझ लेना बाद में, ठीक है? मैं ये समझा रहा हूं क्यों भाई, ये क्रोध किसको कहते हैं? द्वेष की पर्याय है क्रोध। क्यों? आप में से हाथ खड़ा करो कि आप अपने बच्चे पर क्रोध करते हो माने द्वेष करते हो। बोलो भैया द्वेष करते हो? द्वेष में क्या करते हैं? दूसरे का बुरा सोचा जाता है, दूसरे का बुरा चाहा जाता है, दूसरे का किसी प्रकार से घात किया जाता है, माने बुरा किया जाता है। बोलो ये हाथ खड़े, कौन मम्मी पापा अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं? बोलो, अब तो समझ में आया कि नहीं आया? वाणी को जैन शासन में क्रोध नहीं कहते, वाणी को जैन शासन में क्रोध नहीं कहते। क्रोध में दूसरी तरीके से समझाऊं, थोड़ा सा समझ लो। ए सिद्धांत, इस सिद्धांत के पास एक गिलास दूध था और उसमें कोबरा सांप दूध पी गया। वो कौन पी गए? कोबरा सांप। और इस बच्चे को मालूम नहीं था, मुझे मालूम है कि कोबरा सांप दूध पी गया। तो वो गिलास दूध रखा था, ये आया मंदिर से और बस सहजता से दूध पीने लगा और मैं इसे पीता हुआ देखता रहूं, इसका नाम क्रोध है। जबकि मैं नमोकार मंत्र की माला फेर रहा हूं शांति से, क्या कर रहा हूं? नमोकार मंत्र की माला फेर रहा हूं, पीले बेटा पीले, नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण पीले। क्या है, क्या है नमोकार मंत्र की माला? क्या है? ये क्रोध है। सुनो, ऐसे में नमोकार मंत्र की माला भी छोड़ दे और एक गुस्से में आके जल्दी से, क्यों सुनते नहीं हो? कितनी बार मना किया दूध नहीं पियो, मना किया ना मत पीना मत छूना, मानते नहीं हो। अरे एक चांटा दिया और दूध का गिलास फेंक दिया। अब बच्चा पहले तो रोया, बाद में पूछने लगा आपने हमें चांटा क्यों मारा? बेटा कोबरा सांप दूध पी गया था, तुम एक घूट पीते से मर जाते हो यार। अब इसको सारी जिंदगी महिमा आएगी, क्रोध नहीं दिख रहा इसे, मेरे वचन, मेरा चांटा मारना, मेरे चिल्लाना और दूध ढोल देना इसे अब बुरा नहीं लग रहा। इसे ये लग रहा है ओहो महाभाग, 1 सेकंड चूक जाता आज मैं मर जाता। बोलो भैया, वही की वही एक्टिविटीज क्रोध लग रही थी और वही की वही एक्टिविटीज प्रेम लग रहा है। ये इस दृष्टांत को याद रखना आप, माँ बाप को कभी शत्रु नहीं समझना, नहीं समझना, नहीं समझना, चाहे वो कितने ही डांटें। तो पंडित जी आप एक बात बताओ, आप 4 अभाव पढ़ा रहे कि जो फालतू घर का घर घूले की बातें बता रहे? नहीं, कोई अच्छी बात बताओ कुछ, भगवान आत्मा।
तो सुनो भैया, भगवान आत्मा तो घुट रहा है, जैसे घर में धुआं भरा हो ना, धुआं तो दम घुटता है, ऐसे ही तुम्हारे चित्त में इस तरह की छोटी छोटी बातों की कसायों का घुटन है, और इस घुटन में भगवान आत्मा का अनुभव नहीं होता। इसलिए हम पहले खिड़की खोलना चाहते तुम्हारे दिमाग की, ताकि उसमें से धुआं निकल जाए और फिर तुम सुनो भगवान आत्मा। समझ में आया कि नहीं आया? ए भैया, समझ में आ रहा कि नहीं? दीपक राज, बोर तो नहीं हो गए हैं? तुम हल्की क्वालिटी की पंडित मत लाया करो, अच्छी क्वालिटी की लाया करो, थोड़ी ढंग की बात हो। आप लोगों को समझ में नहीं आती हो तो मैं तो और समझाने तैयार हूं। मतलब मुझे पीड़ा है, पीड़ा मतलब मुझे ये लगता है इतना भगवान आत्मा का सरल मार्ग और तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रहा। क्यों नहीं घुस रहा? क्यों? धुआं ही धुआं भरा हुआ है बस। वो कसायों का क्या परिभाषा, क्या कसाई की? हाँ, जो आत्मा को कसे, जी है भैया, आत्मा की कसाए। हमें तो ये कहते हैं पंडित जी, लेकिन आप सही सही बताओ, ऐसी बातें आप बार बार क्यों ले आते हो? बहुओं की, बेटियों की, सास की? क्या मैं इसलिए लाता हूं कि पूरे जैन शासन की सुरक्षा महिलाओं के हाथ में है। केवल एकमात्र पार्टी जोरदार है, यदि महिलाओं में ये चित्त की विशुद्धि बढ़ जाए, अपनेपन और परायेपन का भेद समाप्त हो जाए बच्चों के प्रति, ये ताऊ के बच्चे, जेठ के बच्चे, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, देवर अलग, जेठ अलग, सास अलग, ससुर, ये जो मान्यता मिट जाए, आपको अपने परिवार के सारे मेंबर भविष्य के सिद्ध दिखाई दें, भावी सिद्धों का परिवार दिखाई दे, इतनी उत्कृष्ट सोच के साथ आप घर में रहो, तो आपकी विशुद्धि से उनका भला होगा, ये तो व्यवहार है, लेकिन आप अल्पकाल में भगवान बन जाओगे। एक बात। दूसरी बात, सारे जैन शासन का रक्षक क्यों कहा अशोक जी मालूम है? संयुक्त परिवार हुए बिना मुनिराजों को आहार दान नहीं दिया जा सकता, त्यागी व्रतियों की रक्षा नहीं की जा सकती, अपने बच्चों की गिरती संस्कृति को नहीं रोका जा सकता संयुक्त परिवार के बिना। पहले संयुक्त परिवार में आठ आठ दस दस बच्चे एक साथ रहते थे, तो किसी ना किसी का भय रहता था, ताऊ का भय, देवर का भय, चाचा का भय, मैंने भय रहता था। संयुक्त परिवार में रहने वाली बहुओं को कभी पति के मित्र आके बात नहीं कर सकते थे, सास सबसे आगे रहती थी घर में, बड़ी है ना वे, रहती थी डायरेक्ट, बहुओं से कभी कोई मित्र बात नहीं कर सकता था। अब तो सेपरेट है, दो कमरे का परिवार है, दो कमरे का मतलब मकान है, कोई भी फ्रेंड आता है उसे मालूम है आज आप हो नहीं, झट आ जाता है, और भाभी जी कोई तकलीफ हो तो मैं आ गया, और मुझे मालूम था कि भाई साहब नहीं है तो मैं आ गया। अब उसके परिणाम कितने खराब है सो आप सड़क पे जानते हो। बस आज जितने केस सील के उपद्रव जितने सुनाई पड़ रहे हैं केवल इसलिए कि सेपरेट फैमिली है। आप संयुक्त परिवार में बता दो, आज तो रिश्तेदारों के भी परिणाम अकेले हैं, अकेला घर में नंदेव जेठ, अकेली बहू, अब कोई है ही नहीं 24 घंटा, वे सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, अब उनके खोटे परिणाम नहीं हो तो क्या हो? 50 जनों के बीच में आपके परिणाम नहीं गिरते थे, इस सील की परंपराओं की सुरक्षा थी। आप केवल थोड़े से माँ बाप के बचनों को बर्दाश्त कर लो तो पूरी संस्कृति सुरक्षित हो जाएगी, आपका सील सुरक्षित हो जाएगा। संयुक्त परिवार में 10-10 लीटर दूध आए, एक आदमी दूध लेने चला गया, एक आदमी सब्जी लेने चला गया, एक आदमी बढ़िया अपने प्रक्षाल पूजन में लग गया, एक अपने व्यापार में लग गया, माने इतनी कोई टेंशन नहीं। अब आज एक आदमी है, वही दूध लेने चला जाए, वही सब्जी लेने चला जाए, वही गेहूं आटा खरीद लाए, वही मसाले खरीद लाए, वही सर्विस कर ले, वही बच्चों के जूते, वही बच्चों की फीस और वही बच्चों का होमवर्क, अब ऑल फॉर वन। पहले काम बढ़ गया था, बहुत आराम था सबको, और इसीलिए इतना फ्रस्ट्रेशन है पति पत्नी में। एक भी फैमिली ऐसी बता दे कोई कि हम पति पत्नी अकेले रहते हो फ्रस्ट्रेशन ना हो, क्यों? सारा काम एक सिर पे आ गया। अब पहले कभी पति को ये सोचना नहीं पड़ता था कि पत्नी के लिए साड़ी खरीदनी है, घर में जिठानी है, देरानी है, भैया भाभी है, मम्मी है, दादी है, वे सब हिसाब करते रहते थे सारा, उन्हें कोई सोचना ही नहीं पड़ता था। मैंने बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, कोचिंग, कुछ नहीं सोचना पड़ता था। 10 बहुएं घर में हैं, जो इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी है वो पढ़ा देती थी, कुछ तो एमए पास होंगे पढ़ा देंगे, बस खत्म। कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं,
बच्चों में बड़ा एकता होती थी, दसों बच्चे एक साथ हिल मिल के रहते थे, 10 लीटर दूध आया, 1 लीटर घी निकल आया, मावा बन गया, दूध दही छाछ बन गई, घर में शुद्ध परंपरा चलती थी शुद्ध। आपके छिंदवाड़ा में अभी से ज्यादा नहीं, मुश्किल से 50-70 बरस पहले तक लोग बाजार का घी नहीं खाते थे, जैसे डालडा घी नहीं खाते ना, ऐसे बाजार का घी नहीं खाते थे। आपके गांव की बात कर रहे हैं हम, 100% घी लोग घर के अटपेरा खाते थे। अब कभी मुनि महाराज आए, कभी आ जाए, अनुदिष्ट आहार झट तैयार है, बस कहे हम तो खाते ही वो हैं, अपने सारे घरों में गेहूं धुलते हैं, आज भी धुलते हैं। बंबई दिल्ली का असर अभी इधर नहीं आया, इंदौर का असर अभी इधर नहीं आया, 100% अपने घरों में गेहूं धोते हैं, मसाले धोते हैं, सारा काम करते हैं। अब एक घी की कमी रह गई, दूध की दही की, सुबह शुद्ध आ गया, मान चलो संयुक्त परिवार है, तो ऑटोमेटिक अनुदिष्ट आहार की परंपरा, दिगंबर मुनिराजों की आहार की परंपरा। और आजकल तो देखते जाओ आप, 75% लड़के धोती बांधना नहीं जानते, आज की तारीख में धोती बांधना नहीं जानते, तो आहार की परंपरा 75% समाप्त। और 80% लड़कियां अभी आहार देना नहीं जानती जो बहुएं बनी हैं, तो भाई हमेशा पूछ, ए भैया जी तुम आ जाओ, ए भैया जी तुम, ए तुम पढ़ गा लियो, ए भैया तुम बता दियो, ये कैसे देने पड़े तुम बताइयो, ए भैया कैसे पूजन करने पड़ेगी। मैंने एक एक चीज आजकल आर्टिफिशियल, एक डायरेक्टर खड़ा रहता संग में, चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, मैंने इसमें भी एक डायरेक्टर है, ए पहले पानी दो, दूध दो, अरे सब्जी दो, मैंने एक एक चीज बतानी पड़ रही है। मैंने एक भी, अब आज की तारीख में 80-90% लोगों को आहार दान की विधि खत्म। मेरी पीड़ा समझ में आ रही है आपको, मैंने मैं क्यों इस तरह से बोलता हूं हमेशा, मेरी पीड़ा कि आगे आने वाले समय में 100% लोग ऐसे होंगे जिनके घर में घी नहीं मिलेगा, पानी तक नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलता 99%, अभी आने वाले में तो धोती पहनना बंद हो जाएगी। और अभी शहरों में होने लगा, महाराष्ट्र में ऐसा होने लगा, लोग अब कुर्ता पजामा और शर्ट पैंट पहनकर आहार दान दे रहे हैं, शर्ट पैंट पहनकर, बोले क्यों, वो तो शुद्ध है, धोके डाल रहे थे, मैंने वो धोती वाली परंपरा समाप्त, कुर्ता पजामा वाली भी खत्म। अब बोलो क्या होगा। तो यदि आपको जैन संस्कृति अच्छी लगती हो, ये जो चार अभाव का प्रकरण अच्छा लगता हो, ये पंच परमागम अच्छे लगते हो, 18,500 वर्ष तक तुम्हें ये जैन शासन चलाना हो, इतना पुण्य कमाना हो, पवित्रता बढ़ानी हो, तो हम आपसे चाहते हैं कि संयुक्त परिवार रखो। और संयुक्त परिवार रखने का एक ही मंत्र है बस, जिस समय मम्मी गुस्सा में बोले उस समय की बात, जिस संसद में क्या करते हो, उस कार्यवाही को विलोपित किया जाए, नहीं होता जैसे जैसे किसी ने उठा के एक वो कुर्सी दे मारी किसी ने, और किसी ने किसी को बोल दिया कुछ कि तुम तो नंबर एक के चोर हो, उसने कहा तुम सवा चोर हो, उन्होंने कहा तुम दो चोर तुम्हारे बाप होंगे लुच्चा लफंगा बदमाश, उन्होंने कही तुम्हारे होंगे डाकू, कह दिया कोई बात नहीं। बाद में क्या होता है, बाद में वो सब विलोपित, विलोपित समझते हैं, उसको हटा दिया जाता है कार्यवाही से बस। और बाद में क्या हो जाता है कि फिर वो जो हिंदू कांग्रेस और बीजेपी दो जन गले में हाथ डाल के चाय पीते हैं इंटरवल में, नहीं नहीं पीते, नहीं गलत कह रहा हूं, तो ऐसे आप लोग करो कि कम से कम कांग्रेस बीजेपी जैसे तो बनो कम से कम तुमसे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले अच्छे हैं। अभी देखा होगा आपने, मीटिंग होती ना, मीटिंग दोनों देश के राजदूत मिलते हैं, जब मिलते हैं जब बिल्कुल नहीं, नहीं साहब आप अत्याचार कर रहे, बेकार है, नहीं तुम आतंकवाद फैला रहे, नहीं बोले तुम आतंकवाद फैला रहे, दो जने लड़ते हैं। और थोड़ी देर बाद देखो चाय पीते हुए ऐसे बढ़िया फोटो खिंचवाते हैं, मैंने बढ़िया आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से हाथ मिला रहे हैं, दिल से दिल ना मिले तो हाथ तो मिलाते चलिए। मैं आपको भी यही कह रहा हूं, और मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप जरा इस नाजुक दौर में समझ लो, आप इतनी सी बातों को ताल तिल का ताड़ नहीं बनाओ, और नहीं तो क्या होगा बता दूं क्या होगा। हाँ, बहू सास का बुरा कभी नहीं कर पाएगी, और सास बहू का बुरा कभी नहीं कर पाएगी, ये दोनों मिलकर के जैन संस्कृति का नाश करने का पाप बांधकर अनंत काल में जैन शासन को नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने मुनिराजों की संस्कृति का नाश किया, आपने आहार दान की परंपरा का नाश किया, सेवा वैयावृत्ति समाधि इसकी संस्कृति का नाश किया, आपने दिव्य ध्वनि में जो पवित्र संस्कृति आई थी उसका नाश किया,
आपको देवसास गुरु नहीं मिलेंगे, सच कह रहा हूं नहीं मिलेंगे। इसलिए हमेशा लघुता सीखो, लघुता, लघुता में प्रभुता है। युवकों से भी कह रहे भैया, हमें बहुओं को बेटियों की बात नहीं, आपसे भी कह रहे, आप लोगों में से 90% लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते। ट्रांसपेरेंसी समझते हैं? संवादहीनता, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते आप। जैसे बच्चा है अभी 14-16 साल का हो रहा है, बताओ इसके मन में क्या बात आती है, बताओ इसके दोस्त कैसे हैं, बताओ ये गंदी कौन सी बातें सुनता है, कौन से पोस्टर देखता है, क्या करता है। माँ बाप को कुछ होश नहीं, माँ बाप को तो ऐसा लगता है हमारा बच्चा तो सीधो साधो गोरो नारो, देखो कैसो मोड़ा है बिल्कुल। अब तुम्हें ये नहीं मालूम कि इस बच्चे के अब उम्र बढ़ती जा रही है, इसके परिणाम क्या है। आप ऐसे समय में उसे नहीं समझाएंगे, प्यार नहीं करेंगे, उसके दिल की बात, उसकी सोच नहीं समझेंगे, बोलो वो बड़ा कैसे हो जाएगा। आज 90% नहीं बल्कि सभी लोग ये कहते हैं हमारे बच्चों से नहीं बनती साहब, हमारे बच्चों से नहीं बनती। मैं उसके लिए एक ही बात कह रहा हूँ आपको सलाह के रूप में, सुनना सभी लोग, भैया विमल जी वगैरह आप सभी लोग से कह रहे, आपके बच्चे आप जब भी इनसे बात करते हो तो ऑर्डर में बात करते हो, ऐसा करो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लेकिन आज की तारीख में कह रहा हूँ आपको, आप अपने बच्चों पर ऑर्डर मत चलाओ, उनसे ट्रांसपेरेंसी रखो। जो बात आप उसे मना कर रहे हैं उस मना का लॉजिक से समझाओ, और जो काम करने की आप उसे आज्ञा दे रहे हो उसे समझाओ कि बेटा ये काम करने से ये फायदा होगा। सबसे ज्यादा झगड़ा इसी बात का है, हम केवल ऑर्डर देते हैं। आपको 90% पिक्चर दिखाऊं, 90% बोलो पिताजी जब कभी आते हैं और बच्चे को जब कभी भी 90% मुलाकात होती तो डांटने में होती है, तो सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, क्यों मानता नहीं है, आवारागर्दी करता है, 90% लैंग्वेज है, मानते नहीं, मंदिर क्यों नहीं जाता, पढ़ता क्यों नहीं है, चल जा प्रवचन सुनने जा, ये सब गंदी भाषा है। आप प्रतिदिन आधा एक घंटा अपने बच्चों के साथ बैठो, उनके सर्कमस्टेंसेस जो हैं वे समझो, अपनी बात उन्हें समझाओ, टेलीविजन में क्या गलत हो रहा है वो उसे समझाओ, अखबार से पढ़ पढ़ के उसे बताओ, देखो बेटा अखबार में देखो, तुम मत बना लेना बेटा ऐसे दोस्त राहुल जैसे ही, ऐसे प्रेम से समझाओगे आप तो बच्चा जाकर आपको समझ पाएगा, जिसको आज की भाषा में कहें जेनरेशन गैप वो भर पाएगा, जिसको हम कहें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अब बन पाएगी। और आप सोचो कि आप इंटेलिजेंट है 50 साल के हैं और बच्चा आपकी एक ऑर्डर में मान ले, नेवर, कभी नहीं होगा। मैं इसको एक सरल एग्जाम्पल देके बात छुट्टी कर रहा हूं, बोर तो नहीं हो गए आप लोग कि पंडित जी लगे जाएं अपने अपने उपदेश देने के लिए, खूब लेक्चर ठोक रहे हैं जबरदस्ती। देखो सच्ची बात बताऊं, चार अभाव मुझे नहीं पढ़ाना आपको, मुझे तो चार अभाव के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व करने का विधि बताना है कि डे बाय डे लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें चार अभाव से कैसे सॉल्व करें। देखो भैया जैसे बच्चा छोटा है ना, हमारा बैठा हुआ था अभी, छोटे छोटे बच्चे बैठे, महिलाओं को चाहिए इन बच्चों को लेकर के, जब कभी आप सब्जी खरीदो इस बच्चे से कहो बेटा आज क्या खाएंगे आप देखिए, तो बच्चा बोलेगा भिंडी, अच्छा तो बेटा आज तुम अपने पसंद की भिंडी छांटो, अब उसने छांट ली, अब बच्चे छांट ली, अब आप उसे धीरे से बताओ देखो बेटा इसमें चमक नहीं ना, ये बासेपन की प्रतीक है, इसमें छेद है ना, इसमें इल्ली होगी बेटा, अंडे होंगे, देखो बेटा इसमें जो टूट नहीं रही ना, ये देखो नाखून गड़ा के देखो ये नहीं हो रहा है ना, इसलिए बेटा अच्छी नहीं है। आपने इस तरह से बच्चों में डिसीजन मेकिंग पावर ट्रांसफर कर दी, परचेजिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर ट्रांसफर करी। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को कपड़ा खरीदते समय, खाते पीते समय, चलते फिरते समय, आप बर्तन खरीदने गए बच्चे को साथ रखा, बच्चे से पूछो बेटा कौन सा गिलास पसंद है आपको, देखो बेटा एक अच्छी स्टील ए है, एक स्टील ए है, बोलो क्या पसंद है आपको, माने आप उसे समझाएं धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे नेचुरल, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर होती चली जाएगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको हम कह रहे हैं, और इस तरह जेनरेशन गैप खत्म होगा। आज बच्चों में इतना एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है कि वे सीधे मुंह बात नहीं करते, सुन भी लेते हैं जवाब नहीं देते, जवाब नहीं देते लेकिन तुम्हारे अनुसार काम भी नहीं करते, इसका मतलब ये निकला कि फ्रस्ट्रेशन, जेनरेशन गैप। और हम चाहेंगे आप भैया अपने बच्चों को भविष्य का भगवान समझो,
ए भविष्य के भगवान नहीं, इन्हीं बच्चों को जो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, इन्हीं को मंदिर के अध्यक्षता देनी है अपने को, इन्हीं बच्चों को ये ट्रस्टीशिप देनी है, इन्हीं बच्चों को श्रावक बनाना है, इन्हीं बच्चों को मुनि बनाना है, और एक दिन इन्हीं बालकों को, बालिकाओं को आर्यिका और मुनि बनाते हुए भगवान बनाना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी का नाम ग्रस्त दशा। और जल्दी जल्दी बोल गए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी का नाम ग्रस्त दशा। अब आप समझ लो, हमने तो जो कहना था सब कह दिया। ओम नमः शिवाय।